हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इंटरनेशनल एकेडमी में स्वागत है। मैं आप लोगों के पास एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और वो टॉपिक है आपका साइंस। और साइंस का टॉपिक है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस चैप्टर में मैं लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ूंगा। लाइट कैसे किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वो बैंड होता है, कैसे किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, और लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण हमें अपने नेचर में कौन कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारा चीजें मैं इस चैप्टर में पढ़ूंगा, डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट लाइट से। मैं ये लाइट को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये लाइट होता क्या है, व्हाट इज द लाइट। तो मैं कह सकता हूं लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मैं आपको बता दूं लाइट की प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? फर्स्ट, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। बी नंबर पे क्या होता है? इट हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर क्या होता है? इट चेंज देयर पाथ व्हेन रिफ्लेक्ट विथ इट चेंज देयर पाथ व्हेन रिफ्लेक्ट विथ स्मूथ सरफेस। हम ऐसे भी कह सकते हैं इट चेंज देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। इट बेंड्स व्हेन इट स्ट्राइक विथ स्मूथ सरफेस। डी नंबर, इट चेंज देयर पाथ व्हेन ट्रेवल इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में अगर ट्रेवल करता है, मीडियम को चेंज करता है, तो भी इसकी जो पाथ है वो चेंज हो जाती है, वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करता है। तो ये आपके लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं चलता हूं लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप इसे नोट कर लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैं आपके लिए एक फिगर बना रहा हूं और फिगर को देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? मिरर है। मिरर
इस मिरर में क्या होता है, जब लाइट को इंसिडेंट करवाते, एक टॉर्च है हमारे पास, यह हमारे पास एक टॉर्च है, इससे लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, ये ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, जब ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया ये नॉर्मल हो गया, ये आपका एंगल है इंसिडेंट एंगल, ये आपका एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल। व्हेन लाइट स्ट्राइक विद स्मूथ सरफेस इट बेंड्स, इट रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम। जब भी मैं लाइट को ऐसा स्ट्राइक करता हूं तो ये बेंड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल। एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। एन क्या है, नॉर्मल। ये आपका मिरर है, मिरर का इस साइड जो स्मूथ सरफेस है और नीचे रफ सरफेस है। तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, फिगर से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक थ्रू स्मूथ सरफेस। तो चलिए रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखा जाए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक विथ स्मूथ सरफेस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक विथ स्मूथ सरफेस देन इट बेंड, देन इट बेंड्स इन द सेम मीडियम। This phenomenon is known as, this phenomenon is known as reflection of light। आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं bouncing back, bouncing back of light is known as reflection of लाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मैं एक फिगर बनाया, इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में लाइट आ रहा है, ये सभी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये आपके रिफ्लेक्शंस को शो कर रहा है। मैं ये फिगर इसलिए बनाया क्योंकि इसी फिगर के हेल्प से मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस भी बताऊंगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ता हूं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Law of reflection of light क्या होता है, law of reflections of light। अब आप law of reflection of light को समझने के लिए इस फिगर को समझिए। जब भी किसी ray of light को incident कराया जाता है किसी smooth surface से, तो ये जो incident रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाता है।
यानी कहने का मतलब हुआ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर एट सेम पॉइंट ऑन सेम प्लेन। जब भी हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो रिफ्लेक्शन के कंडीशन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। और एक ही पॉइंट कहां पे होगा, सेम सरफेस पे होगा, एक ही सरफेस पे होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है तो मैं एक एक करके इसे के पार्ट को डिस्कस करता हूं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर वन, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के हमेशा इक्वल होता है। फर्स्ट नंबर हम इसे ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर एट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर एट सेम पॉइंट ऑन सेम प्लेन। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है उसको ये डिफाइन कर रहा है। जब भी किसी रे ऑफ लाइट को किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ सेम एंगल का फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि यहां फिगर में दिख रहा है, उसी चीज को ये एक्सप्लेन किया। लेकिन एक और पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर एट सेम पॉइंट, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बता रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो किसी प्लेन मिरर से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है, मैं उन सभी चीजों को अभी डिस्कस करूंगा। तो बच्चों आप इसे उतार लीजिए, मैं इसे मिटाकर आगे के टॉपिक की ओर चलता हूं। चलिए देखिए, जब मैं बताता हूं, अगर कोई भी एक मिरर पड़ा हुआ है, ये सरफेस है और इस मिरर के सामने अगर कोई बॉडी रखा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि इस बॉडी की इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण बनता है। ये जो बॉडी है आपका, ये लाइट रिफ्लेक्शन के कारण ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये इमेज कैसे बनता है अभी मैं जरा उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर दूं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर।
इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखिए क्या होता है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये रे ऑफ लाइट आया और आने के बाद ये जो है आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया पैरेलल टू द प्लेन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बेंड्स बैक, रिफ्लेक्ट बैक। नेक्स्ट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स विथ बॉटम एंड मेक एंगल एंड मेक सेम एंगल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई एंगल आर, दिस प्लेन बिहेव एज अ नॉर्मल एंगल आई एंड एंगल आर एंड दे इंटरसेक्ट बिहाइंड मिरर। रियली इट डज नॉट इंटरसेक्ट बिहाइंड मिरर बट वी एज्यूम ये जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो मैंने इमेजिन किया कि शायद ये पीछे एक्सटेंड करने पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पोजीशन है आपका इमेज फॉर्मेशन है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए डैश और ये बी डैश। अब आपको मैं बता दूं इमेज फॉर्मेशन बाय ये प्लेन मिरर, ये आपको दिख रहा है, ये आपका जो हो गया मिरर है, ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज इमेज अब मैं बताऊं कि ये जो आपका इमेज बन रहा है इस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, पोजीशन कहां पे, पोजीशंस ऑफ इमेज। आप फिगर के हेल्प से बता सकते हैं कि जो इमेज की पोजीशंस है वो बिहाइंड मिरर है, बिहाइंड मिरर। साइज, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है, तो इमेज की साइज सेम साइज है एज ऑब्जेक्ट। नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं, ये जो आपका इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है ही, लेकिन ये जो इमेज है जब भी आप कभी मिरर के पास खड़े होते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब भी मैं अपने लेफ्ट हैंड को राइज करता हूं तो मिरर में जो हमारा इमेज बन रहा है वो इमेज अपने राइट हैंड को ऊपर करता है, तो जो राइट हैंड को ऊपर करता है तो इस तरह का जो इमेज होता है लेफ्ट राइट का जो इन्वर्स होता है उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये जो इमेज बनता है वो लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज नॉन एज लेटरल इन्वर्टेड इमेज बिकॉज द लेफ्ट हैंड If the object or a persons rise up their left hand, then the mirror, the image of the body in the mirror rise up their right hand. अगर मैं अपनी left hand को rise करता हूं mirror के सामने खड़ा होकर तो हमारा जो image है mirror में वो right hand को rise करेगा। तो इस तरह से जो हमारी image mirror में दिख रही है वो image real तो है, रियल नहीं है, मतलब वो जो है लेफ्ट और राइट में इन्वर्टेड है, मींस जब मैं लेफ्ट करता हूं तो वो राइट हैंड्स को राइज करता है,
तो इस तरह का जो लेफ्ट और राइट में जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर और इमेज फॉर्मेशंस बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के पास स्फेरिकल मिरर के टॉपिक को लेकर आऊंगा। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए मैं अपनी क्लास को एंड करता हूं। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करते जाइएगा बच्चों।